हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत 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 आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं, उस देश की बात ही अलग है। मिर्ची जैसी आकार वाले देश पर लोग यहाँ के होते हैं बहुत प्यारे। यहाँ की हवा में सुकून है, शांति है और मोहब्बत है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेड खाने वाले की सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में एलियंस की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, तभी तो हर घर के छत पर आपको टेलीस्कोप दिखाई देगा। लेकिन क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। एक ऐसा देश जो है रहस्यों से घिरा। इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के देश चिली की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं साउथ अमेरिका की सबसे खूबसूरत देश चिली की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चिली और ये साउथ अमेरिका का बहुत ही खूबसूरत देश है। देश की पॉपुलेशन है 1,92,00,000 के आसपास। इस देश के उत्तर में पेरू देश है, उत्तर पूर्व में है बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना, तो वही पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिली देश का नाम चिली क्यों पड़ा? ये इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इस देश का नक्शा बिल्कुल मिर्च की तरह लगता है, बल्कि इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ के अनुसार चिली शब्द का मतलब होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे रहस्यमयी आइलैंड चिली देश में है और ये पूरा का पूरा देश ही रहस्यों से घिरा हुआ है। क्या आपने कभी एस्टर आइलैंड का नाम सुना है? ये है दुनिया का सबसे अजूबा आइलैंड। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको ऐसे पत्थर देखने को मिलेंगे जिन्हें इंसान की वेशभूषा में काटा गया है और आकार दिया गया है। आज तक उस बात को लेकर रिसर्च चल ही रही है कि आज से हजारों साल पहले कौन और कैसे इस तरह की कलाकारी कर सकता था और इतने बड़े बड़े पत्थर को समंदर के बीच में बने इस आइलैंड में लगा कैसे गया। कुछ लोगों का आज भी मानना है कि ये एलियंस का आइलैंड है, जबकि इस देश के लोगों का मानना है कि ये किसी चमत्कारी इंसान ने किया है जो कि इसी देश का रहने वाला था। लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता और इसीलिए ये रहस्य ही रह गया। जब भी बात आती है एलियंस की तो चिली देश के लोग सबसे ज्यादा उत्सुक होते हैं इस बात को लेकर। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं रहते बल्कि एलियंस भी रहते हैं। तभी आपको यहाँ के लगभग हर छत पर एक टेलीस्कोप दिखेगा। यहाँ के लोग इस टेलीस्कोप की मदद से एलियंस को देखने की कोशिश करते रहते हैं। इस देश में UFO रिसर्च ब्यूरो है जिसकी देखरेख यहाँ की सरकार करती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सीरियस है। एलियंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर रोज ही एलियंस इन लोगों से मिलने के लिए आते हों। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है चिली देश में। ये इतना बड़ा है जैसे कि अपने आप में ही समंदर हो। इस पूल को बनाया गया है अलग रोबो सिटी में। पूल की ऊंचाई है 1,000 yards और गहराई है लगभग 115 feet की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूल को बनाने में $1 billion का खर्च आया था, तो वहीं हर साल इसकी देखभाल करने में $2 million की लागत आती है। वैसे आपको बता दूं कि इस पूल में एक बार भयानक हादसा भी हो चुका है और कई लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन फिर भी ये स्विमिंग पूल बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद हो सकता है कि आप डर जाएं। लेकिन इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि चिली देश में ही दुनिया का सबसे पुराना मम्मी मौजूद है। वैसे तो ये एक बच्चे का था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 BC से ही ये मम्मी मौजूद है। दुनिया को लगता है कि मम्मी मतलब इजिप्ट, लेकिन असल में मम्मी का सबसे पुराना रिश्ता है इस देश में। साउथ अमेरिका के किसी भी देश में आप चले जाइए, आपको एक से बढ़कर एक खाना खाने को मिलेगा, लेकिन चिली का स्ट्रीट फूड इतना लाजवाब है कि आप इसे खाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। यहाँ पर हर कोई तरह तरह की चीजें बहुत ही कम दाम में खा सकता है। एक तो आपको बढ़िया स्वाद मिलेगा और ऊपर से पैसे भी बहुत कम। चिली में खाना बहुत ही सस्ता मिलता है। खाने की बात ही चल रही है तो बता दे कि इस देश में आपको एक से बढ़कर एक ब्रेड खाने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच में ब्रेड खाना बहुत पॉपुलर है और यहाँ के लोग अलग अलग तरीके का ब्रेड खाते हैं। आपको आंकड़ों में समझाऊं तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा ब्रेड की खपत होती है, यानी कि चिली देश के लोग ब्रेड खाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। चिली के लोगों के बीच में आइसक्रीम खूब पॉपुलर है। रात के समय भी आपको कई बड़े शहर में लोग घर से बाहर निकाल कर आइसक्रीम खाते मिलेंगे। मतलब ये कि यहाँ की रूटीन वर्क है, खाने के बाद एक आइसक्रीम तो बनता ही है चिली देश में। अगर आपको भी है आइसक्रीम से प्यार तो यहाँ आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश में आपको दुनिया का सबसे बढ़िया वाइन पीने को मिलेगा। जी हाँ, ऐसे वाइन जो आप चिली देश के अलावा कहीं और टेस्ट ही नहीं कर सकते। साथ ही आपको बता दूं कि ये देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वाइन एक्सपोर्टर है, तो अगर आप चिली जाएं तो यहाँ के वाइन एक बार जरूर टेस्ट करिएगा। साथ ही आपको बता दें कि नॉर्वे देश के बाद चिली सैल्मोन का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ से सैल्मोन को तकरीबन 64 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। चिली देश की एक और बात जो कि बहुत अलग है वो ये कि इस देश की लड़कियों की जब शादी होती है तो कोई भी अपने पति के सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ लड़कियों के नाम वही होता है जो उनके माँ बाप ने रखे होते हैं।
वैसे आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया में कम से कम तलाक का किस्सा भी इस देश में होता है। यहाँ के लोग शादी को लेकर बहुत सीरियस होते हैं और फैमिली वैल्यूज को भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर शादी से पहले भी रिश्ते निभाने में लड़के लड़कियाँ बहुत ईमानदार होते हैं। चिली भले ही बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन इसने काम किया है बड़े बड़े। इतना छोटा देश होने के बावजूद 1962 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन भी इसी देश में ही हुआ। ये काबिले तारीफ है, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप को आयोजित करना कोई आसान काम नहीं। इस देश में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज्यादा है। आपने यकीनन टेनिस स्टार फर्नांडो गोंजालेज का नाम तो सुना ही होगा, वो भी चिली देश से ही है। वहीं फुटबॉलर एलेक्सिस सांचेज, वो भी इसी खूबसूरत देश से है। साल 1960 में चिली में जो भूकंप आई थी, वो रिएक्टर स्केल पर दुनिया की सबसे खतरनाक भूकंप थी। जानते हैं कितनी तेज थी ये भूकंप? 9.5 रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप को मापा गया था। ये भूकंप वाल्दिविया शहर में आया था, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था। वैसे चिली में ज्वालामुखी की भी कोई कमी नहीं है। इस समय चिली में तकरीबन 1300 ज्वालामुखी है। देश की अंडेस माउंटेन्स में भी आज भी दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि इस देश में आपको 4000 साल पुराने पेड़ देखने को मिल जाते हैं, वो भी अच्छी खासी संख्या में? आपको बता दूं कि चिली के साउदर्न रीजन में इस तरह के बहुत सारे पुराने पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चिली को आप पेंगुइन्स का देश भी कह सकते हैं। यहाँ जगह जगह पेंगुइन्स दिखती है, वो भी ज्यादातर साउथ चिली में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जिसे पेंगुइन्स कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वैसे समंदर के आसपास भी आपको यहाँ पेंगुइन्स घूमते हुए दिख जाएंगे। जैसे न्यूजीलैंड देश में कोई सांप नहीं है, वैसे ही चिली देश में भी सांपों की संख्या ना के बराबर ही है। लेकिन फिर भी इस देश में दो तरह के ऐसे सांप है जो कि होते हैं बहुत ही जहरीले। क्या आपने कभी विकुनिया जानवर के बारे में सुना है? ये है ऊंट प्रजाति के सबसे छोटे जानवर और ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। चिली देश में बहुत ही प्यारे होते हैं ये जानवर। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा हिरण पुडू भी चिली में पाया जाता है। दोस्तों, चिली में आप समंदर की लाइफ का पूरा आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस देश की समुद्री सीमा 6500 किलोमीटर लंबी है, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन में से एक। इसका फायदा बहुत है, क्योंकि इस देश में बहुत सी सैलानी आते हैं सिर्फ इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ की बीच लाइफ किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। चिली देश के लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि आपको देखते ही देखते आपके बारे में 10 लाइन लिख देंगे। आपको शायद ना पता हो, लेकिन इस देश के कवि और लेखक गैब्रियला मिस्ट्रॉल और पाब्लो नेरुदा को साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ के लोगों के बारे में तो दुनिया जानती है कि ये बड़े ही आर्टिस्टिक होते हैं। तभी यहाँ के लोग समंदर किनारे वीकेंड को अपने ही लिखे गानों पर नाचते हैं। चिली का पैटागोनिया बहुत ही सुंदर जगह है, जो प्राकृतिक नजारों से भरी हुई है। इसका लुफ्त उठाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। चिली में दुनिया का सबसे सुखी जगह भी है। जी हाँ, ऐसी जगह जहाँ आज तक बारिश हुई ही नहीं है। अटाकामा डेजर्ट नाम से मशहूर यहाँ के रेगिस्तान दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान है, और वहीं ये सबसे सूखा है। इस देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ एक बूंद बारिश आज तक नहीं हुई है। ये रेगिस्तान 1000 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, चिली देश का सबसे खूबसूरत शहर का नाम है वाल्पारैसो। यहाँ की अगर आपने एक बार खूबसूरती देख ली तो फिर कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। इससे 2003 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने अपने अंडर रखा था। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको हर घर की दीवार रंगीन मिलेगी। अगर आप चिली जाने का प्लान कभी बनाओ तो ऐसे बनाना कि आप कम से कम न्यू ईयर ईव को इस देश में जरूर रहें। यहाँ की जाती है सबसे जबरदस्त तरीके से पार्टी। खास तौर पर वाल्पारैसो और विनिया डेल मार शहरों का तो नजारा ही बदल जाता है। यहाँ के लोगों को तो पार्टी का बहाना चाहिए। मस्ती करने का कुछ न कुछ कारण यहाँ के लोग निकाल ही लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और चिली में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 6 से 10 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको चिली घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,10,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, चिली की करेंसी है चिलियान पैसो, जिसकी वैल्यू है 0.090 भारतीय रुपयों के बराबर। तो दोस्तों, ये था साउथ अमेरिका की सबसे खूबसूरत चिली। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की इस शहर की? और अगर की है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।